अभी मैं अपने घर से नीचे उतरी हूँ एंड मैं एक्चुअली धूप सेकना चाहती हूँ। मैंने अपने बाल धोए हैं और मैं आजकल कभी भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती। जब भी मैं बाल धोती हूँ मैं मेरे बाल धूप के नीचे बैठकर सुखाती हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मेरे बाल इतने अच्छे आप लोगों को क्यों लगते हैं। मैं बिल्कुल भी हेयर ड्रायर का प्रयोग नहीं करती। हेयर ड्रायर का प्रयोग तब होता है जब कोई शूट होता है, बट शूट पर जाने से पहले भी मैं अपने बाल ड्राई करके जाती हूँ और मैं अपने बाल धूप में बैठ कर ड्राई करती हूँ। बॉम्बे में तो ऑब्वियसली मेरा टेरेस है तो टेरेस पे धूप इजीली अवेलेबल है, मगर यहाँ पर सुंदरवन में टेरेस नहीं है तो अगर रूम में धूप नहीं आ रहा तो मैं नीचे उतरती हूँ धूप सेकने के लिए। और अभी मैं वही करने के लिए उतरी हूँ, धूप सेकने के लिए मैं नीचे उतरी हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है, तो इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए मेरे शौक थोड़े बिगड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे अच्छी चीज़ें अच्छी लगती है, बिकॉज आई प्रिज्यूम एवरीबडी लाइक्स टू हैव गुड थिंग्स इन लाइफ। मगर मैं मेहनत भी करती हूँ और मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। रही बात करते करते मेरे प्यारे ट्रोल्स की, देखिए ट्रोल्स, आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अच्छी बात है, मेरे को गालियाँ देकर आपको 2 रुपये मिल रहे हैं ना, आपके बैंक अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं ना। इतनी ख़राब इकॉनमी में आपको मैंने काम दिलवा दिया, इतनी ख़राब इकॉनमी में आपको मेरी वजह से रोज़ी रोटी खाने का माध्यम मिल गया, तो आप लोगों को मुझे शुक्रिया करना चाहिए, बिकॉज़ एक्चुअली मैं आप लोगों को पैसे कमाने का ज़रिया दे रही हूँ मुझे गालियाँ देकर। तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कमेंट सेक्शन ऑफ़ कर दो, मगर अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं कमेंट सेक्शन ऑफ़ करूं कि ना करूं मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, क्योंकि कमेंट सेक्शन ऑफ़ करके शायद मैं धरपोक लगूंगी। मेरे ऑफिस के इंटर्न्स भी कह रहे हैं कि मैडम इतनी गालियां सुननी पड़ रही है, हमारे जो ब्रांड्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया इतनी सारी गालियां हमको ज़िंदगी में नहीं मिली। बट आप लोगों को समझना चाहिए ये जो वर्चुअल मीडिया का ज़माना है जहाँ पर लोगों की जो शक्लें नहीं हम देख सकते वो लोग बैठ के हमको टारगेट करते हैं, हम लोगों को जिन लोगों को दुनिया जानती है थोड़ा बहुत, और हम लोगों को इतनी गंदी गंदी गालियां देकर अपनी 2 रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो ऐसे पेड पीआर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से जो डर जाते हैं जब उनके प्रोफाइल्स पे अटैक होता है और कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं, स्पेशली कुछ ब्रांड्स या कुछ लोग जो समझ नहीं पाते कि पेड पीआर कैसे चलता है। पेड पीआर ऐसे चलता है, डर के आगे जीत है, तो इसलिए कमेंट सेक्शन को ऑफ मत करिए, उनको दिखाने दीजिए उनकी औकात और आप अपनी परवरिश दिखाइए कि कैसे इतने गंदे माहौल में भी आप अच्छे बन सकते हैं। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब थोड़ा बाल वाल सुखा लेते हैं और फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बर्ड्स को दाना देने के लिए बोल रखा है सो दैट बर्ड्स कैन हैव दाना। ये सेम हम लोग बॉम्बे में हमारे टेरेस पे रखते हैं। संग्राम एक बर्ड्स को दाना देने के लिए बोल रखता है और वो हर सुबह जाकर दाना डालता है, इसे अच्छा कहते हैं। सनातन धर्म में हम बर्ड्स को दाना देते हैं, कबूतर स्पेशली, हम चींटियों को खाना खिलाते हैं, वो तो कराता है, वो चींटियों को शक्कर देता है रात के समय, कुत्तों को बिस्किट खिलाता है सो दैट उसके दुश्मन कम हो जाए। मुझे कहता है कि पायल तू कुत्तों को बिस्किट खिलाएगी तो भी कुछ नहीं होगा बिकॉज तेरे तो इतने सारे दुश्मन हैं। तो हम सनातन धर्म में बर्ड्स को दाना देते हैं, चींटी को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाना तो बहुत ज़्यादा पुण्य की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक माई रिलीजन एंड दैट इज़ वाई आई ट्राई टू स्टैंड फॉर इट। मगर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने निजी फ़ायदे के लिए, जब देश को बेच सकते हैं, किसानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जवानों से उनकी बहादुरी का प्रूफ मांग सकते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। मगर इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अभी हम ऑब्वियसली जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे थे तो हमारे पीछे पीछे हमारी माताश्री आ गई ये देखने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ भाग गई। सो दैट मींस शी अगेन वांट्स टू फीचर इन द वीडियो। हियर शी इज़ वेयरिंग अ स्वेटर विद द लिपस्टिक ऑन। क्या हूँ यस फाइन
Yes, Meena. I came down to take sunlight and you to came? Check what is going on. Sunlight, अच्छी बात है. Sunlight लेना चाहिए. Yeah, vitamin D is needed. No? Vitamin D is needed. As you age, the bones need. The bones need. जी हाँ. So that's why. So I've come for a stroll. You've come for a stroll. Very good. बच्चों के खेलने का पता नहीं क्या क्या है. यहाँ पे धूप नहीं है, क्या हालत हो गई है. तो मम्मी कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप बताओ, क्या हो रहा है लेडीज ग्रुप में. टुडे देयर इज नो गॉसिप. देयर इज नो गॉसिप इन द लेडीज ग्रुप. द डे हैज स्टार्टेड. बाय इवनिंग यू मे गेट सम. ओ माय गॉड. सो ये लाइफ है यहाँ की. काम, सेरीन, क्वाइट, सन को देखो, सन को सोख करो, अपने दिमाग को स्वस्थ रखो, क्योंकि अपने दिमाग को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है. बाहरी दुनिया कैसी भी हो, इफ़ योर ब्रेन इज़ इन योर कंट्रोल, आई डोंट थिंक द बाहरी दुनिया कैन अफेक्ट यू. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबडी. यू कंट्रोल योर माइंड. द आउटसाइड फैक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड. ये बात याद रखो. It is all about perception. You cannot let other people decide your reality. No, your reality, tum decide karoge. It's always the perception war. Perception war hai liberals ki, ki Modi ji desh ke liye kharab hai, aur perception war ke khilaaf hum lad rahe hain, ye kehkar ki Modi ji desh ke liye kitne acche hain. Aur ye ladai mein bahut sare log pele jaate hain. Yes, pele is a slang word, but I'm just using it because बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इस word का. तो ये लड़ाई में बहुत सारे लोगों को suffer करना पड़ता है. But let's be intelligent, let's not suffer stupidly, let's fight our battles intelligently. यही मैं कहना चाहती हूँ लोगों से कि trolls से मत धरिए, डर के आगे जीत है. अब आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं. मैं ना सच में इतने लंबे बाल पानी अच्छा है. ओह माय गॉड, अभी यहाँ पे अहमदाबाद में घर के साथ साथ पानी भी अच्छा है, इसलिए बाल अच्छे हो जाते हैं. तो आप लोगों के पास डबल इंसेंटिव है यहाँ पर क्यों प्रॉपर्टी लेने का, क्योंकि पानी अच्छा है तो बाल ऐसे लंबे और घने हो जाते हैं. मगर बहुत डिफिकल्ट होता है. आपको देखना चाहिए मैं कैसे योगा करती हूँ. आपको पता है ना मेरा योगा वाला बूंडा, मेरा योगा वाला बूंडा देख के मेरी मम्मी के क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं बूंडा का देखकर. वो स्वामी जी के जहाँ जो पूजा पाठ करते हैं ना, उसके जैसे ये बूंडा बनाती है. स्टिफ लुक, स्टिफ लुक, या स्ट्रिक्ट लुक. तो उसको मेरा बूंडा पसंद नहीं है, मेरी माता जी को. बट मुझे मेरे बूंडे के सिवाय मेरा दिमाग ही नहीं चलता. जब मेरे बाल नीचे होते हैं आपको देखना चाहिए मैं कितनी अच्छी होती हूँ. जब बूंडा ऊपर होता है तो जो भी आया ना सामने वो गया. That is like an antenna. That is like an antenna. Yeah. So अभी हम फिर से वो बूंडा बनाने वाले हैं, बिकॉज शुरुआत करनी है लोगों की लेने की. बिकॉज बाल सुखाने के बाद दिनचर्या स्टार्ट होने से पहले लोग हमारा इस्तेमाल करें, लोग हमारे प्रधानमंत्री जी का इस्तेमाल करें अपने निजी फायदे के लिए, लोग हमारे देश का इस्तेमाल करें अपने निजी फायदे के लिए, उसके पहले हम वॉरियर्स मैदान में आ जाएंगे. आ गए, ये गया बूंडा.